प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। बीजेपी संविधान बदल सकती है। बीजेपी जो 400 पार का नारा दी है, इतने सेकुलर वोट है, वो एक तरफ वोट गिरने वाले हैं। मुस्लिम कैंडिडेट जो है नहीं उतारा गया है। मुसलमानों को एक MP बना के लेके गए होते, हमारे ऊपर ही बिल फटती थी कि MIM की वजह से ये बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है। जहाँ जहाँ काम किया वहाँ वोट देंगे। मुमरा का मुसलमान इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहा है। बी फॉर्म उनको मिला कैसे, ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। संभव कैसे, कैसे क्या चक्रव्यूह है ये? पार्टी के लोगों को ही नहीं मालूम और एक बंदा पार्टी का चुनाव में खड़ा हो रहा है। इस कैंडिडेट को टिकट जा रहा था जावेद साहब को, 10-20-50 हजार वोट काटने की कैपेसिटी रखते हैं क्या? के MIM भाजपा की सपोर्ट में है कि ये सेकुलर जो पार्टियां जिनका मैंने नाम दिया, ये लोग बी टीम है। कोई महाराष्ट्र से एक मुसलमान तो MP होता जो हमारी बात रखता हाउस में, अगर मुसलमान वोट नहीं दे रहा तो गद्दार हो रहा है, बराबर। तो जो इन दूसरे लोग जो वोट दे रहे हैं भाजपा को, उनको क्या कहेंगे? ना हम इस शिवसेना का प्रचार करें, ना हम उस शिवसेना का प्रचार करें। ऐसी बातें हैं कि आप जो है थोड़ा जुड़े हुए भी हैं वहाँ से। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां जो है अपनी तैयारियां भी कर चुकी हैं। जो उम्मीदवार हैं वो भी अपनी कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं। जहाँ एक तरफ महायुति है, वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है और टकराव भी जो है दोनों में बराबर का हो रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है, एक तरफ से दुहाई दी जा रही है संविधान बचाने को लेकर, और एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस बार बदलाव नहीं हुआ तो न जाने क्या होगा, और बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं MIM पार्टी के नेता शाह आलम, उनसे बात करेंगे। शाह आलम भाई, लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या देख रहे हैं, खास तौर पर कल्याण लोकसभा जो सीट है, दोनों ही जो उम्मीदवार हैं शिवसेना पार्टी के हैं, उद्धव गुट और शिंदे गुट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप इस्लामुद्दीन भाई कल्याण लोकसभा के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों कैंडिडेट एक ही पार्टी के थे। अब ये दो पार्टी एक ही पार्टी के दो हिस्से हो गए, एक शिंदे गुट हो गया यानी शिंदे शिवसेना हो गई, एक उदय शिवसेना हो गई। तो इसके अंदर जो इस वक्त माहौल चल रहा है शिंदे गुट का और उदय गुट का, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, दोनों पार्टियां ही लड़ रही, बाकी तो कोई यहाँ पे कोई कैंडिडेट है ही नहीं जो लड़ रहा है। तो जहाँ तक मेरा कहना है कि जो आपने सवाल किया था कि हालात, तो ये जो संविधान बदलने की बात चल रही है, तो संविधान देखिए, संविधान इतना आसान नहीं है किसी को बदल देना, संविधान इतने आसानी से नहीं बदले जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संविधान बदलने की बात हो रही, ये जो है ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं के कई बार पिछले बार ऐसे वीडियो आया, कुछ दिनों पहले कई वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल हुए, उसके बाद जो है जो महाविकास आघाड़ी है वो यही मुद्दा ये चुनाव में काफ़ी जो है लेकर चल रही है। हाँ, ये बात सही आपकी कि पूरे हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हो रहा है इसी मुद्दे पर हो रहा है कि बीजेपी संविधान बदल सकती है, इसको लेकर ये चल रहा है कि मतलब बीजेपी जो 400 पार का नारा दी है। तो इसलिए हम जो मतलब आपको भी मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान की जितने सेकुलर पार्टियां या जितने सेकुलर वोट हैं वो एक तरफ वोट गिरने वाले हैं। तो इतना आसान नहीं है भाजपा को कि भाजपा 400 सीट ले लेगी और संविधान बदल देगी, इतना आसान नहीं है। मुसलमानों में भी काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है कि महाविकास आघाड़ी जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर एक ज़ोर शोर से प्रचार कर रही है। मुस्लिम क्षेत्रों में काफ़ी ज़ोर से प्रचार हो रहा है, मुस्लिम लोग को वोट देने के लिए कहा जा रहा है कि आप सबसे बड़ी संख्या में वोट दीजिए, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट जो है नहीं उतारा गया कहीं भी। यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 लोकसभा सीट के अंदर ये जो सेकुलर पार्टियां हैं इस वक्त जो लड़ रही हैं, कांग्रेस है, NCP और उदय सेना भी मतलब सेकुलर पार्टियों में छवि आ रही है, उसकी गिना जा रहा है।
तो कम से कम 48 में देखा पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम चेहरा इनको नहीं दिखा जो मुसलमानों को एक एमपी बना के लेके गए होते। तो आज जिस तरीके से माहौल बना है कि लोग मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे निकल गए, और हमारे उलमा इकराम भी ये कह रहे हैं, और जो हमारी ये चल रही सेकुलर पार्टियाँ की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम इंडिया अलायंस को दें, तो हम तो तैयार हैं ना कि हमारे जो उलमा और जो हमारा शहर जहाँ जा रहा है हम उसके साथ में इंडिया अलायंस को देश उठा रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान क्या वोट देने के लिए है, जो मुसलमान कैंडिडेट नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो आपको बता दूं कि अब्दुल रहमान अंतोले साहब के बाद अगर महाराष्ट्र में कोई दूसरा एमपी बना था वो है इम्तियाज जलील साहब, हमारी पार्टी से जीते थे और उन्होंने लोगों का काम करके दिखाया। उन्होंने मुसलमानों का, दलितों का और आदिवासियों का और किसानों के, इन तमाम लोगों के मुद्दे को उस पर काम किया और काम करके हाउस से काम करके दिखाया लोगों को। तो कम से कम जिस आज जो सेकुलर पार्टियों को या जो हम इंडिया अलायंस को वोट दे रहे हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम जो सेकुलर पार्टियां वो भी एक अपनी अपील दें, अपील करें कि जो औरंगाबाद के अंदर जो एमपी इम्तियाज जलील लड़ रहा है उसको वहां पे सेकुलर तमाम पार्टियां उसको सपोर्ट करें, उसको वोट डालें। एमआईएम का रोल जो है इस विधान लोकसभा चुनाव में जो है काफ़ी अलग देखने को मिला। कम उम्मीदवार, एक मुंबई से हैं, एक औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब हैं बस, और एक भिवंडी से कोई उम्मीदवार हैं, तो आखिर क्यों एमआईएम ने क्यों नहीं उतारा उम्मीदवार? आपको मैं बता दूं इस्लाम भाई कि आपको भी मालूम है कि हर वक्त से हमारे ऊपर ही बिल फटती थी कि एमआईएम की वजह से ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंच रहा है। अब तक जितने इलेक्शन हो रहे थे आप उठा के इतिहास देख लीजिए, गुजरात वगैरह में जहाँ जहाँ सरकार बनी थी वहाँ हमने, इस बार हमारे बैरिस्टर सऊदीन अवेसी साहब ने ये फैसला किया कि ठीक है हम नहीं लड़ेंगे हर जगह पे इलेक्शन। तो आप तो खुश रहना चाहिए ना तमाम गठबंधन को, तमाम गठबंधन सेकुलर पार्टियाँ ने सबसे गठबंधन की, सबको बात की, हमसे नहीं की, फिर भी हमने कहीं कैंडिडेट नहीं उतारा उतने। आप देख सकते हो महाराष्ट्र जिस तरीके से आपने अभी सवाल किया, तो हमने चार ही छः जगह पे इलेक्शन पे यहाँ पे इलेक्शन कैंडिडेट उतारे हैं। इम्तियाज जलील साहब हैं, बम्बई से एक है, भिवंडी से एक है, ज़्यादा हमने कैंडिडेट नहीं उतारे। बाकी अब सेकुलर पार्टियाँ मिलकर सीट निकाले, हम तो इंडिया अलायंस या सेकुलर जितनी सेकुलर पार्टियाँ उसके साथ में हम हैं। यूपी में भी हम एक भी कैंडिडेट नहीं लड़ा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में देखेंगे तो शिवसेना है, एनसीपी शरद चंद्र पार्टी है, और कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, ऐसे और भी कई अन्य पार्टियां हैं। इधर भी देखेंगे तो बीजेपी है, महायुति में बीजेपी है, अजीत पवार एनसीपी है, से और भी अन्य पार्टियां हैं, उधर भी शिंदे गुट हैं, शिवसेना। तो ऐसे में लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। लोग ही सवाल कर रहे हैं, दोनों तरफ से भी कहा जा रहा है, उम्मीदवार जो वो कह रहे हैं कि आप जो उम्मीदवार आपके इलाके में विकास का काम किया है उसको जो है वोट दें। दोनों तरफ से उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि हम विकास किए हैं, हमें वोट दीजिए। देखिए जिस तरीके विकास की बात है, विकास तक की बात ठीक है कि जो विकास करिया या जो भी यहाँ का एमपी था, दोनों पार्टियों में से अब एक पार्टी में आ गए, एक तरफ है, एक ही पार्टी है, तो जो काम किया है तो उसकी वजह से लोग वोट दे रहे हैं। जहाँ भी उसको जहाँ जहाँ काम किया वहाँ वोट देंगे। मेरे शहर में जो बात चल रही है, तो हम ये चाह रहे थे कि जो सेकुलर जो गठबंधन का कैंडिडेट आया था, जो गठबंधन का कैंडिडेट आया, कम से कम उसको तो अपने हमारे शहर में आके प्रचार करना चाहिए ना खुद। आपने देखा, आप पत्रकार हैं, आप बताइए मुमरा शहर में कौन सा है शिवसेना जो उदय गुट का जो है खासदार में खड़े किए कैंडिडेट, कौन है अभी तक आए क्या मुमरा में? कितने बार आए उन्होंने? आए ना, कल भी उनका हुआ, कल वो आए, उनको लेट हो गया था, कल 10 बजे के बाद आए, उसके बाद उन्होंने बयान दिया, उसके बाद चले गए। आज भी उनका जो है सुषमा आंध्रे के साथ में उनका सुधीर भगत के यहाँ पर जो है वहाँ पर मीटिंग हुई, अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ। तो जिस तरीके से आप वो मीटिंग किए मुमरा के अंदर आके, तमाम पार्टियों को लोगों को मुमरा में जमा किया गया ना, उलमाओं को जमा किए, मुसलमान हमारे सारे थे, सारी पार्टियों के लोग थे, तो इनको भी वहाँ बुलाए होते। कलवा में मीटिंग रखे थे, कलवा में बुलाना चाहिए था कि मुमरा के लोग समर्थन कर रहे हैं इंडिया अलायंस को, तो ताकि उनको मालूम पड़े कि मुमरा का मुसलमान इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहा है,
कि नहीं होना चाहिए था, इस मीटिंग में मुसलमानों को हिस्सेदारी तो होना चाहिए था, इनको भी तो अपने स्टेज पे वहाँ बुलाना चाहिए था। इतना तो हक बनता है ना कि मुमरा के मुसलमानों का, जो मुमरा के मुसलमान जो लीडर है, जो लीडरशिप कर रहे हैं मुमरा में सेकुलर पार्टियों में, तो उसको करना चाहिए था, करना चाहिए था। सही है गलत है मेरा बात? एक MIM से जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा, जो अभी पिछले दिनों आपके पार्टी में हुआ, आप लोगों ने भी बयान दिया पी फॉर्म को लेकर, जो जावेद सिद्दीकी हैं उन्होंने नामांकन कर दिया था लेकिन रिजेक्ट हो गया फॉर्म, लेकिन बी फॉर्म उनको मिला कैसे ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि आपके तमाम जो कलवा मुमरा के MIM पार्टी के लोग हैं वो अपने वरिष्ठों से फ़ोन पर संपर्क करते रह गए, उनका कहना है कि फ़ोन कोई उठा नहीं रहा है, कोई चुनाव में बिजी हैं, वजह क्या थी, कैसे मिल गया बी फॉर्म? नहीं इस्लामुद्दीन भाई, जो ये आपने सवाल किया है ना, तो मैं आपको एकदम साफ बता दूँ, आपको ये मालूम है कि इलेक्शन चल रहा है, हमारे जितने वरिष्ठ है जो मतलब इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और दोनों का इलेक्शन पीरियड डेट सेम है, सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिजी हैं, इस वजह से हम लोग इसका वो नहीं, लेकिन हमने अपने वरिष्ठों से बात करेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन यहाँ भी है तो उनको ये बात तो सोचनी चाहिए ना कि अगर वहाँ का कोई नेता हमसे संपर्क कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो कुछ बात होगी ना, लेकिन तो उनको भी तो जिम्मेदारी है कि हमारे छोटे जो नेता है उनको संपर्क करके क्या वजह है, क्यों फोन आ रहा है। वो तो आपकी बात जरूर है, लेकिन देखिए आपने अगर हमारा कैंडिडेट को बी फॉर्म दिया था जावेद सिद्दीकी को, तो हमने मतलब उनका फॉर्म रिजेक्ट कराया ना, हम तो खुल के बोले थे ना कि अगर इनको टिकट दी जाएगी, अगर ये लड़ेंगे तो भी MIM मुमरा की इसको सपोर्ट नहीं करेगी। इन मुमरा के लोग तमाम जो मुसलमानों ने, जो शहर के लोगों ने फैसला किया है एक तरफ जहां जाने का वोट डालने, तमाम लोग वहां वोट डाल रहे हैं, हम शहर के साथ में, इसीलिए उनका, सुनिए ना, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, तो जावेद सिद्दीकी का वो रिजेक्ट हो गया, तो अब हमारे पर ब्लेम नहीं है ना, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, MIM का कोई कैंडिडेट शहर में ये कल्याण लोकसभा से इसमें नहीं कॉन्टेस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो बी फॉर्म है पार्टी के जो सुप्रीमो है असदुद्दीन ओवैसी, वो तो किसी ना किसी को एक जिम्मेदारी दिए होंगे ना कि किसे बी फॉर्म देना है, किसे नहीं देना है, और पार्टी के लोगों को ही जानकारी नहीं, किसी एक एक बंदे को पार्टी के मिल गया बी फॉर्म, ये संभव कैसे कैसे, क्या चक्रव्यूह है ये चक्रव्यूह? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसका जवाब मैंने दिया ना कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा ये दोनों सीट का 13 तारीख को, तो इंशाल्लाह हम अपने बड़े जो हमारे सीनियर लीडरशिप है उनसे बात करेंगे और ये रखेंगे कि यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है, इसका क्या सही जवाब क्या वो दिया जाए, ताकि हम आगे इसका जवाब रखें, अपने शहर के लोगों में रखेंगे इंशाल्लाह। MIM पीछे नहीं हटने वाली, हम जो बोल रहे हैं वो एकदम फैक्ट है, हम सामने हैं, और इस सीट पे MIM का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ेगा, ना कोई कैंडिडेट है, ना हम किसी अपक्ष को हम समर्थन नहीं दे रहे किसी को। लोग शहर, इतना बड़ा शहर है, सब लोगों की जुबान पर अलग अलग चर्चाएँ हैं, अलग अलग बातें हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि MIM का जो भी कैंडिडेट होता है वो कहीं ना कहीं जो है इसी तरह का जो है हो जाता है, जैसे गुंजन का मामला आया, नगर सेवक में जो खड़े हुए थे उन लोगों में दूसरे पार्टी में शामिल हो गए थे, और अब ये मामला ऐसा सामने आया कि पार्टी के लोगों को ही नहीं मालूम और एक बंदा पार्टी का चुनाव में खड़ा हो रहा है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं पैसे का खेल है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है ये अलग तरह की एक राजनीति चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है आखिर क्या चीज़ हो सकता है? इस्लामुद्दीन भाई, आप पैसे की जो बात करें तो आप बताइए, जो कैंडिडेट, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे शहर में चर्चा चल रही है, जो वो चल रही है, तो आप खुद सुनिए कि अगर जिस कैंडिडेट को टिकट जा रहा था बोल रहे हैं जिस हिसाब से जावेद साहब को, तो आप देख लो कि क्या ये 10-20-50 हज़ार वोट काटने की कैपेसिटी रखते हैं क्या? नहीं रखते ना, तो कौन पैसा देगा और किसने दिया? प्रूफ तो करो कि किसने इनको कितना पैसा दिया, और ये हमारी पार्टी से इनको लड़ाने के लिए किसने पैसा दिया, वो तो भी प्रूफ होना चाहिए ना, खाली बोलने से नहीं काम चलता, आप प्रूफ करिए। हमेशा ये कहते थे ना कि MIM बीजेपी की बी टीम है, लेकिन बी टीम तो हमेशा NCP निकली थी, हम निकले क्या? गुजरात में हम इलेक्शन नहीं लड़े थे, किसकी सरकार बनी थी? बीजेपी की सरकार कैसे बनी थी? आपने जाके वहाँ कैंडिडेट लड़ाया था, यहाँ पे सीट जीते, आप इलेक्शन जीते 2019 का, कांग्रेस और NCP ने मिलके जाके शिवसेना के साथ में सरकार बनाई, हमारे 2 MLA थे क्या, गए थे क्या सरकार बनाए थे क्या, हमने दिया था क्या समर्थन कहीं पे, तो हम कैसे बी टीम हुए? तो ये सब देखिए, आपको मालूम है कि आज तक हिंदुस्तान की इतिहास है ये कि जब कोई मुस्लिम लीडरशिप उठती है तो उसको यही कह के डैमेज किया जाता है और उस लीडरशिप को ख़त्म किया जाता है। आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग
जब मुस्लिम लीग थी तब तो इतना हिंदूवाद नहीं था ना, तब तो नरेंद्र मोदी नहीं था ना, तब तो भाजपा इतनी नहीं थी ना। उस वक्त भी गुलाम महमूद बनात वाले जब लड़ते थे वहाँ से दो सीट हमेशा एमपी की आती थी मुसलमानों की। बम्बई में एमएलए थे, कारपोरेटर थे, ख़त्म करने वाले यही सेकुलर लोगों ने जो बोल बोल के कि ये मुसलमान टीम जो इनको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा नहीं होता, आप साबित करिए कि MIM भाजपा की सपोर्ट में है, कि ये सेकुलर जो पार्टियां जिनका मैंने नाम दिया ये लोग बी टीम है। कौन भागा बीजेपी टोम छोड़ के, अपनी अपनी पार्टियां कौन तोड़ के छोड़ के भाग रहा, MIM से भाग रहा क्या कोई, बताइए, नहीं भाग रहे। तो ये सारी बातें हैं कि मतलब एक आशा ये मिल गया कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं आना चाहिए। आप उठा के देख लीजिए, यही सेकुलर लोग आज महाराष्ट्र की 48 सीट के ऊपर एक भी मुसलमान लीडर दिए, एक भी दिए क्या कोई, एक मुस्लिम चेहरा महाराष्ट्र में नहीं मिला इनको कि उनको हम एक MP बनाते ताकि वो हमारी बात तो रखने वाला कोई महाराष्ट्र से एक मुसलमान तो MP होता जो हमारी बात रखता हाउस में। एक हमारा इम्तियाज जलील जिसने करके दिखाया काम, आज उसके सामने भी यही तमाम लोगों ने वंचित अघाड़ी ने कैंडिडेट दे दिए, तो हम कैसे बोलेंगे सेकुलर वो है। कल्याण लोकसभा से जो दो उम्मीदवार हैं शिवसेना के, दोनों शिवसेना के अलग अलग शिवसेना के, आप दोनों में किसको पसंद करते हैं और किसको जो है साथ है? नहीं, देखिए साथ की बात नहीं है, हम हमारा सीधा सीधा स्टैंड है कि मेरा शहर जहाँ है, जहाँ पूरा मुमरा शहर के लोग जहाँ पे हैं, जहाँ मुमरा शहर के उलमा कह रहे हैं उसी तरफ हम भी हैं। हम ना किसी का प्रचार कर रहे हैं, ना हम इस शिवसेना का प्रचार कर रहे हैं, ना हम उस शिवसेना का प्रचार कर रहे हैं। शहर जहाँ जाएगा उसके साथ भी हम रहेंगे। आप ऐसी बातें हैं कि आप जो है थोड़ा जुड़े हुए भी हैं वहाँ से? नहीं नहीं जुड़े हुए, देखिए वो अब जितेंद्र अवार्ड मेरे शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA है ना, मैं MIM का था, वो मेरे शहर के MLA। अभी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वो मेरे शहर का MP है, मैं उनसे जुड़ा नहीं हूँ। हमारा काम है हमारे शहर में विकास करके, तो कोई भी करे, आमदार करे खासदार करे, दोनों का बजट ये शहर का है क्या नहीं, तो किसके किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? अरे इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के जहाँ मुद्दे पर वोट करेंगे क्या? हम ये चाहते हैं कि विकास के ऊपर होना चाहिए इलेक्शन, हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो विकास किसने किया? देखो अभी जो विकास किया जो खासदार थे वो किए, यहाँ के आमदार थे, ये इनसे नहीं होने का। सेंट्रल की बात करो, ये वोट जो जीत के जाएगा सेंट्रल में हम दे रहे हैं ना, कि हम मोदी को पीछे करें, मोदी को हराने। हाँ तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि मुसलमान मुमरा का ही मुसलमान ठीका लिया है। आप एक बात करिए, एक बात सुनिए मेरी, मुसलमान आप मुसलमान वोट दे रहा, अगर मुसलमान वोट नहीं दे रहा तो गद्दार हो रहा, बराबर। तो जो इन दूसरे लोग जो वोट दे रहे हैं भाजपा को, उनको क्या कहेंगे? हिंदुस्तान का सेकुलर पार्टी उनको क्या कहना चाहेगी? हम तो 75 साल से इस देश के थे वफादार, आज कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मुसलमान हिंदुस्तान का हमेशा वफादार रहा है, आप इतिहास उठा के देखिए। अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, या आप उनसे पूछिए, उन लोगों से कि जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं उनके वाले, उनको आप क्या कहेंगे? हमको तो गद्दार कह देते हैं, मुसलमान गद्दार है इस देश का अगर इनको वोट नहीं देते हैं तो। तो अब ये जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? उसको भी तो कुछ कहिए कि नहीं कहेंगे? मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। वोट देने का अधिकार सबको है, सब देते हो। हाँ तो मुसलमान को भी वोट देने का अधिकार है, मुसलमान वोट देगा जहां इंशाल्लाह बहुत सोच समझ के वोटिंग करेगा इस बार मुसलमान। मैं सिर्फ यही अपील करूंगा हमारे लोगों से कि आप लोग वोट देने आइए। हमारा वोट परसेंटेज हमेशा कम रहता है, मुसलमानों का वोट परसेंटेज कम रहता है, तो मैं मुसलमानों से ये कहूँगा, ये मेरी अपील है कि आप लोग भारी तादाद में वोट बाहर निकलिए और वोट डालिए। और मैं आप ही के माध्यम से फिर एक बार मैं अपील करूँगा कि औरंगाबाद में जो हमारे इम्तियाज जलील MP इलेक्शन लड़ रहे हैं, सेकुलर तमाम जो सेकुलर पार्टियों के लोगों से मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप लोग भी कहिए वहाँ कि इसको वोट डालिए, इम्तियाज जलील को वोट डालिए आप, वो भी एक सेकुलर लीडर है। सेकुलर इसी को कहते हैं ना कि भाई वो किसानों का काम कर रहा है, दलितों का काम कर रहा है और आदिवासियों का काम कर रहा है, मुसलमानों का काम कर रहा है, तो उससे बेहतर MP कौन हो सकता है वहाँ के लिए? तो आपने सुना कि MIM पार्टी के जो नेता हैं शाह आलम, उनका साफ तौर पर कहना है, पिछले दिनों जो मुमरा में बात सामने आई, जो MIM पार्टी के एक नेता हैं जावेद सिद्दीकी, उन्हें B फॉर्म मिल गया था, शहर में अलग अलग की
चर्चाएं चल रही थी, कोई कह रहा था पैसों का खेल है, कोई और कुछ कह रहा है, कोई अलग बात कह रहा है, लेकिन वही शाह आलम का कहना है कि अगर कोई पैसों का खेल का आरोप लगा रहा है तो उसे साबित करना चाहिए, उसे सबूत देना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के आरोप लगाने चाहिए।